हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मेकअप किस तरीके से कैसे अप्लाई करना चाहिए। मेकअप करना सबको अच्छा लगता है, बट क्या होता है, हमें स्टेप्स नहीं पता होते कि हमें कब सनस्क्रीन लगाना है, कब प्राइमर लगाना है और मतलब फाउंडेशन किस तरीके से लगाना है, राइट? तो मैं आज आपके साथ यही बेसिक स्टेप्स बताऊंगी कि आपको किस तरीके से क्या क्या एक के ऊपर एक अप्लाई करना चाहिए ताकि आप एक फ्लॉलेस लुक आए आपकी, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। जैसे आज मैं अपने लुक की बात करूं, मैंने इस वक्त जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूं आपके साथ, मैं बहुत लाइट मेकअप करती हूं, नो फाउंडेशन, नो कंसीलर, बस हल्का सा कॉम्पैक्ट और मॉइस्चराइजर है, दैट्स इट। जिस दिन मैं वो वीडियो शेयर करूंगी कि दैट हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन, उस दिन मैं आपको बताऊंगी, बट आज मेरी बहुत ही सिंपल लुक है, राइट? तो अब सबसे पहला स्टेप होता है फेस वॉश करते हैं। फेस वॉश करने के बाद द फर्स्ट थिंग इज लाइक यू हैव टू अप्लाई, जैसे कहते हैं ना CTM रूटीन होता है टोनर, तो फेस वॉश करने के बाद हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए दैट वी शुड अप्लाई अ टोनर। फेस मिस्ट कह लो, टोनर कह लो, या बेसिक आप नेचुरल कोई भी टोनर या गुलाब जल ले सकते हो। टोनर की बात करूँ तो वैसे तो टोनर और फेस मिस्ट हमेशा स्प्रे बॉटल में आते हैं, वेरी इजी टू यूज़। जस्ट आप अपना फेस वॉश करिए और हल्का से स्प्रे करिए। कभी भी टोनर को किसी भी क्लॉथ से या कोई कॉटन से, उसको कॉटन से रब नहीं करना या फेस से आपको पोछना नहीं है, जस्ट स्प्रे इट, उसके बाद उसको अपने आप ड्राई होने दो, ठीक है? उसको वैसे ही छोड़ दो, उसको अपने आप अपने स्किन में जाने दो, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइज करना। मॉइस्चराइजर क्यों जरूरी होता है? कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमारी ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं है, या सिर्फ मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन के लिए होता है, ऑयली स्किन के लिए नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। मॉइस्चराइज, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी होता है फॉर ऑल स्किन टाइप्स, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, चाहे ऑयली हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो, फेस मॉइस्चराइजर बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ऑयली है तो प्लीज़ बाय ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, बिकॉज मॉइस्चराइजर से ही आपकी स्किन नरिश्ड होगी, हाइड्रेट होगी। के बाद द थर्ड जो आपको अप्लाई करना है अपने फेस पे होता है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज फॉर एवरी सीजन, हर सीजन में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए, चाहे वो समर्स हो, चाहे विंटर्स हो, चाहे ऑटम हो, कुछ भी, हमेशा आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए अपने फेस के हिसाब से, जैसे आपकी फेस को सूट करता है। कोई भी मैट जेल या मैट लुक, मेरी एक्चुअली फेवरेट ये है, वो है ये लोटस 3-in-1 मैट लुक, मैं इसको डेली अप्लाई करती हूँ। इस पर मैट फिनिश आ जाती है, फाउंडेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना बढ़िया है ये। प्राइमर क्या होता है? देखो, हमारे सरफेस, जैसे कोई भी सरफेस एकदम स्मूथ नहीं होता, उसमें थोड़े थोड़े ऐसे ऐसा रहता है, लम्स रहते हैं। सो ऐसी हमारी स्किन होती है, स्किन में हमेशा एकदम स्मूथ नहीं होती, थोड़ा सा मतलब ओपन क्लोज पोर्स, थोड़ा सा स्किन ऊपर नीचे होती है। सो प्राइमर क्या करता है, हमारी स्किन को एकदम स्मूथ कर देता है, राइट? तो फाउंडेशन लगाने से पहले हम लगाते हैं प्राइमर। प्राइमर से क्या होता है, हमारी जो स्किन है बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, जिससे कि फाउंडेशन बहुत आसानी से लग जाता है और एकदम फिनिश्ड लुक आती है, राइट? सो प्राइमर, अगर आपको मेकअप, जैसे अगर आपको डेली मेकअप करना है तो सनस्क्रीन पे आप स्टॉप कर सकते हैं, नाउ कम बैक अनलेस यू आर रेडी, बट अगर आपको फर्दर मेकअप करना है देन यू शुड अप्लाई अ प्राइमर। उसके बाद आता है फाउंडेशन, फाउंडेशन कोई भी, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू लाइक आईज के नीचे अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कवर करने के लिए। फिफ्थ थिंग इज कंसीलर, राइट? मैंने थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली जल्दी से बता दिया है ताकि ये ज़्यादा टाइम ना लगे। सो स्टेप्स क्या क्या हो गए फेस वॉश के बाद, टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, प्राइमर, फाउंडेशन, राइट? सो That's for today. अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी अच्छी वीडियोज डालने के लिए। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।